हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्थान। लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। इस क्लास में हम मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से एसएससी जेई में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे और आज इस सेशन में हम आगे के क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 41। द लीस्ट नंबर ऑफ सिंगल फेज वॉट मीटर्स रिक्वायर्ड टू मेजर टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय एन अनबैलेंस्ड लोड फेड फ्रॉम 3-phase 4-wire सिस्टम इज व्हाट। पूछा गया है कि एक अनबैलेंस्ड लोड विच इज फेड फ्रॉम 3-phase 4-wire सिस्टम, उसमें पावर मेजर करने के लिए हमें मिनिमम कितने सिंगल फेज वॉट मीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, अगर हमारे पास एक एन फेज एन प्लस वन वायर सिस्टम है, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 3-phase and 4-wire सिस्टम, उस केस में अगर लोड बैलेंस्ड है देन पावर कैलकुलेट करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ सिंगल फेज वॉट मीटर्स वहाँ रिक्वायर्ड होंगे दैट विल बी इक्वल टू एन माइनस वन। और अगर लोड अनबैलेंस्ड है उस केस में मिनिमम नंबर ऑफ सिंगल फेज वॉट मीटर्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू एन। यानी कि एक 3-phase 4-wire सिस्टम में अनबैलेंस्ड लोड के केस में मिनिमम नंबर ऑफ वॉट मीटर्स जो हमें चाहिए होंगे दैट विल बी इक्वल टू 3। दैट मीन्स ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। और अगर ये एक एन फेज एन वायर सिस्टम होता, सपोज 3-phase and 3-wire सिस्टम, तो उस केस में मिनिमम नंबर ऑफ सिंगल फेज वॉट मीटर्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू एन माइनस वन। यानी कि 3-1=2, मिनिमम 2 वॉट मीटर्स रिक्वायर्ड होंगे इस केस में। और यहाँ लोड बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस भी हो सकता है। कहने का मतलब कि 3-phase 3-wire सिस्टम है अगर, तो उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ लोड वी कैन यूज मिनिमम ऑफ 2 single-phase wattmeters फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। अ लिसाजस पैटर्न ऑन एन ओसिलोस्कोप हैज 5 हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज एंड 2 वर्टिकल टेंजेंसीज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल इनपुट इज 100 Hz, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल इनपुट विल बी व्हाट। लिसाजस पैटर्न में नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज गिवन है 5 और वर्टिकल टेंजेंसीज गिवन है 2 और हॉरिजॉन्टल इनपुट की फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 Hz। हमें फाइंड आउट करना है वर्टिकल इनपुट का फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा वाई डिवाइडेड बाय ओमेगा एक्स इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज लीनियर फ्रीक्वेंसी। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में लीनियर फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज। एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स, एफ एक्स गिवन है 100, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज गिवन है 5 एंड नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज गिवन है 2। तो वर्टिकल इनपुट का फ्रीक्वेंसी एफ वाई विल बी इक्वल टू 250 Hz। यानी कि ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। द मेन शॉर्टकमिंग्स ऑफ डायफ्राम्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग। डायफ्राम्स का मेन ड्रॉबैक यहाँ हमें बताना है। डायफ्राम्स मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो कि लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। लो प्रेशर मीनिंग टू से लेस देन 1 atmospheric प्रेशर। इसमें क्या करते हैं, यहाँ एक मेटल वायर को 2 fixed ends पे बांध दिया जाता है और जब इस मेटल वायर पे प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी, यानी कि एक्स डिस्टेंस से ये डिस्प्लेस हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं दैट प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस डिवाइस में एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी मिलती है और डायनेमिक रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, दैट इज दे आर प्रोन टू शॉक वाइब्रेशंस। यानी कि ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। द मेन शॉर्टकमिंग ऑफ द डायफ्राम इज दैट दे आर प्रोन टू शॉक वाइब्रेशंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। रोटामीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। रोटामीटर इनमें से किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, फ्लो।
रोटामीटर भी एक मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है जो कि फ्लो मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा पिटेट ट्यूब, वेंचुरीमीटर, वेन्स और एल्बोज भी मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स हैं जो कि फ्लो मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। और कुछ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स को भी यूज किया जाता है फ्लो मेजरमेंट के लिए। इन्हें आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, हॉट वायर एनेमोमीटर, टर्बाइन फ्लो मीटर। और रोटामीटर मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है फ्लो मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। थर्मिस्टर्स आर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। थर्मिस्टर्स टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस होते हैं दैट आर मेड ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। यहां देखिए, ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है यहाँ, जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू यानी कि अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। कहने का मतलब कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेस। और यहाँ पर एक हीटर एलिमेंट है, जैसे जैसे इस हीटर एलिमेंट में टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ इस सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। और ये डिवाइस इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि इस हीटर एलिमेंट का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इस सेमीकंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। और द सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड हियर इज सिंटर्ड मिक्सचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। मेटालिक ऑक्साइड का एक सिंटर्ड मिक्सचर होता है जिससे ये मटेरियल बनाया जाता है। और यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि थर्मिस्टर्स में कौन सा मटेरियल यूज होता है। थर्मिस्टर्स आर मेड ऑफ विच मटेरियल। ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर, सिंटर्ड मिक्सचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। अ स्ट्रेन गॉज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 250 ओम अंडरगोज अ चेंज ऑफ 0.150 ओम ड्यूरिंग अ टेस्ट। द स्ट्रेन इज 1.5 इंटू 10^-4। देन द गॉज फैक्टर विल बी व्हाट। स्ट्रेन गॉज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पूछा गया है यहाँ, तो पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रेन गॉज क्या है। स्ट्रेन गॉज एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है दैट कन्वर्ट्स स्ट्रेन इनटू रेजिस्टेंस। दैट मींस स्ट्रेन गॉज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। एप्साइलन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी, यानी कि चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डायमीटर। गॉज फैक्टर इज गिवन बाय डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्वेश्चन में स्ट्रेन गॉज का रेजिस्टेंस गिवन है 250 और चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर की वैल्यू गिवन है 0.150 ओम। एप्साइलन की वैल्यू गिवन है 1.5 × 10^-4। हमें फाइंड आउट करना है गेज फैक्टर की वैल्यू। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। डेल्टा आर इज 0.150, आर इज 250 ओम एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन गिवन है 1.5 × 10^-4। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो गेज फैक्टर की वैल्यू आएगी 4। देयरफॉर ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, पॉइसन रेशो। इसे भी आप नोट कर लीजिए। पॉइसन रेशो इज गिवन बाय द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल विद अ माइनस साइन। दिस इज कॉल्ड एज पॉइसन रेशो। दिस इज डिनोटेड बाय म्यू। और गेज फैक्टर और म्यू के बीच में जो रिलेशन है दैट इज गिवन बाय गेज फैक्टर इज इक्वल टू 1+2 times ऑफ म्यू। आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, दीज आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। ओवर द वायर स्ट्रेन गॉजेस द फॉयल स्ट्रेन गॉजेस हैव एडवांटेजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वायर स्ट्रेन गॉजेस के कंपेरिजन में फॉयल स्ट्रेन गॉजेस के क्या एडवांटेजेस हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए, स्ट्रेन गॉजेस दो तरह के होते हैं। एक है अनबॉन्डेड टाइप मेटल वायर स्ट्रेन गॉज एंड सेकेंड है बॉन्डेड मेटल फॉयल स्ट्रेन गॉज। मेटल वायर टाइप स्ट्रेन गॉज का कंस्ट्रक्शन इस तरह से है। दिस इज द बेस मटेरियल और ये मेटल वायर है। और बॉन्डेड मेटल फॉयल स्ट्रेन गॉज का कंस्ट्रक्शन इस तरह से है। दिस इज द बेस मटेरियल एंड दिस इज द मेटल फॉयल। तो यहां पर आप देख सकते हैं
कि मेटल वायर स्ट्रेन गॉज में एक थिन वायर को यूज किया गया है और फॉइल टाइप स्ट्रेन गॉज में एक फॉइल को यूज किया गया है जिसका सरफेस एरिया कंपेयर्ड टू दिस मेटल वायर ज्यादा है। और ये सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जो कॉन्टैक्ट सरफेस है बेस मटेरियल और मेटल फॉइल के बीच में वो यहाँ पर ज्यादा है, जिसकी वजह से फॉइल टाइप स्ट्रेन गॉज में हीट डिसिपेशन ज्यादा होता है। तो ये एक एडवांटेज है फॉइल टाइप स्ट्रेन गॉज का। और सेकेंड एडवांटेज ये है कि लार्जर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होने की वजह से बेस मटेरियल और मेटल फॉइल के बीच में जो बॉन्डिंग होता है दैट इज ऑल्सो बेटर। सो ये दोनों एडवांटेजेस हैं फॉइल टाइप स्ट्रेन गॉजेस के ओवर द मेटल वायर स्ट्रेन गॉज। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखिए, कहता है कि वायर स्ट्रेन गॉज के कंपैरिजन में जो फॉइल स्ट्रेन गॉजेस के एडवांटेजेस हैं दैट आर हायर हीट डिसिपेशन कैपेसिटी एंड बेटर बॉन्डिंग। सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। द सर्किट गिवन बिलो इज अ सर्किट ऑफ विच ब्रिज। यहाँ पर एक सर्किट गिवन है और पूछा गया है कि ये कौन से एसी ब्रिज का सर्किट है। ऑप्शंस हैं एंडरसन ब्रिज, दिस इज रॉन्ग, कैल्विन डबल ब्रिज इज रॉन्ग, मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। ये सर्किट मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज का सर्किट है। इस क्वेश्चन में हम बैलेंस ब्रिज की कंडीशंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन रेशो आर्म्स का नंबरिंग करेंगे। इसे हम 1 मार्क कर लेते हैं, ए टू बी, दिस इज आर्म 2, बी टू सी को आर्म 3 कंसिडर करेंगे और दिस वन इज आर्म 4। तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में इस डिटेक्टर में से या इस गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट 0 होता है, यानी कि यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। दैट मीन्स कि आर्म 1 में से फ्लो करने वाला करंट और आर्म 3 में से फ्लो करने वाला करंट दोनों इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं दैट I1 इज इक्वल टू I3। और सिमिलरली आर्म 2 में से फ्लो करने वाला करंट और आर्म 4 में से फ्लो करने वाला करंट दोनों इक्वल होंगे, यानी कि आप लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू I4। और यहाँ पर फिगर में भी आप देखेंगे कि दिस करंट इज I1 और ये करंट भी I1 है, यानी कि ये दोनों करंट्स इक्वल हैं, और ये करंट I2 और ये वाला करंट भी यहाँ पर I2 ही गिवन है, यानी कि ये दोनों करंट्स इक्वल हैं। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड है कि ब्रिज बैलेंस के केस में ऑपोजिट आर्म्स के इम्पीडेंसेस का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा, यानी कि अगर आर्म 1 का इम्पीडेंस Z1 है, आर्म 2 का इम्पीडेंस Z2 है, आर्म 3 का इम्पीडेंस Z3 है और आर्म 4 का इम्पीडेंस Z4 है, तो Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z4 विल बी इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z3। और इसे आप इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो दिस विल बी रिटन लाइक दिस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ Z1 एंड Z4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ Z2 एंड Z3। और यहां से अगर आप एंगल कंडीशन देखेंगे तो दैट विल बी θ1 प्लस θ4 इक्वल टू θ2 प्लस θ3। और आप इसे लिख सकते हैं θ1 इक्वल टू θ2 प्लस θ3 माइनस θ4। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ ब्रिज बैलेंस। और जब हमें किसी रेशो आर्म के अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करना होगा तब हम इस ब्रिज बैलेंस कंडीशन को यूज करके उन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करेंगे। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस CX इन माइक्रोफेरेड एंड अननोन रेजिस्टेंस RX इन ओम रिस्पेक्टिवली इन द सर्किट गिवन बिलो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द डिटेक्टर। ये एक ब्रिज बैलेंस का क्वेश्चन है। डिटेक्टर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड, और हमें इन अननोन कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम ब्रिज बैलेंस की कंडीशन को यूज करेंगे। दिस इज आर्म 1, दिस इज 2, 3,
एंड 4. तो Z1 इंटू Z4 विल बी इक्वल टू Z2 इंटू Z3. इस ब्रिज बैलेंस कंडीशन को जब हम यूज करेंगे तो हमें CX और RX के एक्सप्रेशंस मिलेंगे. CX विल बी इक्वल टू R4 इंटू C2 डिवाइडेड बाय R3 एंड RX विल बी इक्वल टू R3 इंटू C4 डिवाइडेड बाय C2. यहाँ पर हम रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें CX की वैल्यू मिलेगी 50 माइक्रोफेरेट. सिमिलरली रेजिस्टेंस RX की वैल्यू मिलेगी 64 ओम. तो यहाँ पर ऑप्शन सी में गिवन है CX की वैल्यू 50 माइक्रोफेरेट और RX की वैल्यू 64 ओम. देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ अ साइनोसॉइडल वेव व्हेन द टाइम पीरियड इज 0.05 मिलीसेकंड्स. टाइम पीरियड गिवन है 0.05 मिलीसेकंड्स और हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है इन हर्ट्ज. सो दिस इज वेरी सिंपल. फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T. हम यहाँ पे टाइम पीरियड टी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि गिवन है 0.05 मिलीसेकंड्स. तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 20,000 हर्ट्ज. ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इन हेज ब्रिज गिवन बिलो व्हेन सप्लाइड बाय अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज. एक हेज ब्रिज का सर्किट यहाँ पे गिवन है, हमें इसका क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है. हेज ब्रिज को हाई क्वालिटी फैक्टर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. दैट मीन्स क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 10 के लिए हेज ब्रिज को यूज करते हैं. यहाँ पर इस सर्किट में जब हम बैलेंस ब्रिज की कंडीशन को यूज करेंगे तो वहां से LX और RX की हमें ये वैल्यूज मिलेंगी. LX इज इक्वल टू R2 R3 C4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू R4 स्क्वायर इंटू C4 स्क्वायर और RX की वैल्यू हमें मिलेगी ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R2 इंटू R3 इंटू R4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू R4 स्क्वायर इंटू C4 स्क्वायर. एंड एज वी नो दैट क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा L डिवाइडेड बाय R और यहाँ पर L है LX एंड R इज RX. सो वी विल राइट ओमेगा LX डिवाइडेड बाय RX. यहाँ पर LX और RX की वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू R4 इंटू C4. आप इस फॉर्मूला को डायरेक्टली याद रख सकते हैं. हेज ब्रिज के केस में क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू R4 इंटू C4. तो यहाँ पर हम ओमेगा R4 और C4 की वैल्यूज पुट करेंगे. ओमेगा इज 2π इंटू F. फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज. R4 यहाँ पर 10 ओम है और C4 10 माइक्रो फेरेड है. 10 × 10⁻⁶. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू मिलेगी 31.83. यहाँ पर आप ऑप्शंस को देखिए. ऑप्शन ए में गिवन है 31.83. दैट मीन्स ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ AC ब्रिजेस. यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ कंडीशंस गिवन हैं. हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट नहीं है. तो हम बैलेंस ब्रिज की कंडीशंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ऑप्शन ए में देखिए गिवन है I1 इज इक्वल टू I3 एंड I2 इज इक्वल टू I4. यानी कि आर्म 1 का करंट और आर्म 3 का करंट इक्वल है और आर्म 2 और आर्म 4 का करंट इक्वल है. यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है. ऑप्शन सी में गिवन है θ1 प्लस θ4 इज इक्वल टू θ2 प्लस θ3. ये भी करेक्ट है. ऑप्शन डी में गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 और मैग्नीट्यूड ऑफ Z4 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 का प्रोडक्ट. यानी कि ऑप्शन डी भी करेक्ट है. तो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो गिवन है कंडीशन दैट सम ऑफ द इम्पिडेंसेस ऑफ ऑपोजिट आर्म्स इज इक्वल, दिस कंडीशन इज रॉन्ग. यानी कि ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर.
क्योंकि यहाँ पर यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंडीशन बैलेंस ब्रिज के लिए सही नहीं है। सो ऑप्शन बी में Z1 और Z4 का सम इज इक्वल टू Z2 एंड Z3 का सम, दिस इज रॉन्ग। ऑपोजिट आर्म के इम्पीडेंसेस का प्रोडक्ट इक्वल होता है, सम इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। वीन्स ब्रिज इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। वीन्स ब्रिज को फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। इन टू वॉट मीटर मेथड ऑफ पावर कैलकुलेशन ऑफ थ्री फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम इफ बोथ द वॉट मीटर्स शो सेम पॉजिटिव रीडिंग। टू वॉट मीटर मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा गया है कि अगर दोनों वॉट मीटर की रीडिंग्स इक्वल मिलती हैं, तो उस केस में पावर फैक्टर की क्या वैल्यू होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं दैट टैन ऑफ एंगल फाई इज इक्वल टू थ्री फेज रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाय थ्री फेज एक्टिव पावर, और टू वॉट मीटर मेथड में थ्री फेज रिएक्टिव पावर इज गिवन बाय √3 टाइम्स ऑफ W1 माइनस W2, यानी कि रीडिंग ऑफ वॉट मीटर 1 माइनस रीडिंग ऑफ वॉट मीटर 2 एंड डिवाइडेड बाय थ्री फेज एक्टिव पावर विच इज गिवन बाय W1 प्लस W2, यानी कि रीडिंग ऑफ वॉट मीटर 1 प्लस रीडिंग ऑफ वॉट मीटर 2। नाउ जैसा कि यहाँ पर गिवन है कि दोनों वॉट मीटर्स की रीडिंग इक्वल है, यानी कि W1 माइनस W2 विल बी जीरो, दैट मीन्स टैन फाई इज इक्वल टू जीरो एंड देयर फोर फाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जब हम पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे दैट मीन्स कॉस फाई दिस विल बी इक्वल टू कॉस जीरो इज इक्वल टू 1। तो पावर फैक्टर की वैल्यू हमें मिलेगी यूनिटी। दैट मीन्स कि जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग हमें सेम मिलेगी उस केस में पावर फैक्टर की वैल्यू होगी 1। सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप इस टेबल को नोट कर लीजिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट, और इसे आप ध्यान में रखिए सो दैट इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े और आप डायरेक्टली ऑप्शंस को देख के आंसर मार्क कर सकें। देखिए, जब फेज एंगल फाई की वैल्यू 0 डिग्री होगी दैट मीन्स कॉस फाई इज इक्वल टू 1, इन दैट केस दोनों वॉट मीटर की रीडिंग्स इक्वल होंगी। व्हेन फेज एंगल इज 30 डिग्री कॉस फाई इज 0.866, इन दैट केस वन ऑफ द वॉट मीटर विल मेजर डबल द वैल्यू, यानी कि एक वॉट मीटर की रीडिंग दूसरे के डबल होगी। एंड व्हेन फेज एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.5, उस केस में किसी एक वॉट मीटर की रीडिंग हमें 0 मिलेगी। W1 इज इक्वल टू सम वैल्यू W एंड W2 विल गिव 0 वैल्यू। और जैसे ही पावर फैक्टर की वैल्यू 0.5 से घटने लगेगी तो एक वॉट मीटर की रीडिंग हमें नेगेटिव मिलेगी। जैसा कि यहाँ फेज एंगल 90 डिग्री मीन्स कॉस फाइव इज 0 विच इज लेस देन 0.5, उस केस में W1 की रीडिंग पॉजिटिव मिलेगी और W2 की रीडिंग नेगेटिव मिलेगी। ऑलराइट, अगर आप इस टेबल को ध्यान में रखेंगे तो आप इस कैलकुलेशन को स्किप कर सकते हैं और आंसर को ऑप्शन देख के डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट इज द फेज एंगल इन डिग्रीज ऑफ अ बैलेंस थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड वॉट मीटर शो द रीडिंग्स ऑफ 0 वॉट एंड 1600 वॉट। देखिए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर W1 की रीडिंग 0 गिवन है और W2 की रीडिंग 1600 वॉट गिवन है, यानी कि एक वॉट मीटर की रीडिंग 0 मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप इस टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि जब किसी एक वॉट मीटर की रीडिंग हमें 0 मिलती है उस केस में पावर फैक्टर की वैल्यू होती है 0.5 एंड फेज एंगल इज 60 डिग्रीज। तो यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर को मार्क करेंगे, आंसर इज ऑप्शन सी 60 डिग्रीज। और अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ √3 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ द रीडिंग्स ऑफ टू वॉट मीटर्स एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रीडिंग्स ऑफ टू वॉट मीटर्स। तो हमें मिलेगा टेन इनवर्स √3 इंटू 1600 डिवाइडेड बाय 1600, दैट मीन्स टेन इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर बिलो 1। इनमें से कौन से ब्रिज को हम क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 मीनिंग टू से लो वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, और
लो क्वालिटी फैक्टर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एंडरसन ब्रिज. ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. और हाई क्वालिटी फैक्टर यानी कि क्यू वैल्यू ग्रेटर देन 10 को मेजर करने के लिए वी यूज हेज ब्रिज. प्रीवियस एक क्वेश्चन में हमने हेज ब्रिज का क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट किया था जिसकी वैल्यू हमें 31.83 हमें मिली थी यानी कि ग्रेटर देन 10. तो दैट मीन्स कि हेज ब्रिज हाई क्वालिटी फैक्टर को मेजर करता है एंड हाई क्वालिटी फैक्टर कहने का मतलब क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10. इसे आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं H फॉर हाई एंड H फॉर हेज. हेज ब्रिज मेजर्स हाई क्वालिटी फैक्टर. और मीडियम क्वालिटी फैक्टर को मेजर करने के लिए यानी कि क्वालिटी फैक्टर बिटवीन 1 and 10 इसे मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज जिसे हम मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज कहते हैं. सो मीडियम क्वालिटी फैक्टर मेजर करने के लिए मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज को यूज करते हैं, हाई क्वालिटी फैक्टर को मेजर करने के लिए हेज ब्रिज को यूज करते हैं और लो क्वालिटी फैक्टर को मेजर करने के लिए एंडरसन ब्रिज को यूज करते हैं. यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बी में एक गिवन है मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज. तो इसे आप मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज मत समझना. मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज और मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज दोनों डिफरेंट हैं. मीडियम क्वालिटी फैक्टर को मेजर करने के लिए मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज को यूज करते हैं, मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज को नहीं. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 57. फॉर द फिगर गिवन बिलो द पावर कंज्यूम्ड इन लोड इज 345 वॉट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइन करंट आई इन एम्पेयर्स. यहाँ पर हमें एक फिगर गिवन है. ये एक थ्री फेज सिस्टम है जिसमें थ्री फेज रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड है एंड इट इज स्टार कनेक्टेड. हमें यहाँ पर लाइन करंट आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. पावर यहाँ पे गिवन है, दिस इज थ्री फेज पावर 345 वॉट एंड थ्री फेज पावर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कॉस ऑफ 5 यानी कि पावर फैक्टर. और सप्लाई वोल्टेज, और यहाँ पर लाइन टू लाइन सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 200 यानी कि VL इज गिवन 200. सिंस ये लोड रेजिस्टिव है तो cos phi इज इक्वल टू यूनिटी. तो यहाँ से हम IL की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. IL इज इक्वल टू थ्री फेज पावर डिवाइडेड बाय √3 इंटू VL इंटू cos ऑफ 5. थ्री फेज पावर 345 वॉट गिवन है डिवाइडेड बाय √3 इंटू लाइन वोल्टेज गिवन है 200 और cos phi है 1. तो यहाँ से जब आप लाइन करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 0.995 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एम्पेयर. सो यहाँ पे ऑप्शन बी में गिवन है 1 एम्पेयर. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58. विच एलिमेंट इन CRO इज यूज टू कलेक्ट सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स. ऑप्शन है डिफ्लेक्शन प्लेट्स, एक्वाडैग, ग्रैटिक्यूल्स एंड फॉस्फर स्क्रीन. सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए एक ग्रेफाइट कोटिंग को यूज किया जाता है जिसे कहते हैं एक्वाडैग. सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर आप बाकी के ऑप्शंस को भी देख लीजिए, दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या होते हैं? CRO में दो तरह के डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगे हुए होते हैं. वन इज हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड अनदर इज वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स. हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में जनरेटिंग सिग्नल को अप्लाई किया जाता है विच इज ऑफ सॉटूथ या स्वीप टाइप. और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स में टेस्ट सिग्नल को अप्लाई किया जाता है जिसका वेवफॉर्म हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है. ऑप्शन सी में गिवन है ग्रैटिक्यूल्स. ग्रैटिक्यूल्स इन ग्रिड ऑफ लाइन्स को कहते हैं जिसे हम स्केल की तरह यूज करते हैं टाइम और एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए. और ऑप्शन डी में गिवन है फॉस्फर स्क्रीन. फॉस्फर स्क्रीन CRO के अंदर हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है. आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 59. इन अ 2 वॉट मीटर मेथड इफ द बैलेंस्ड लोड इज रेजिस्टिव देन द रिलेशन बिटवीन 2 वॉट मीटर्स विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन में एक बैलेंस्ड रेजिस्टिव लोड गिवन है और इसका पावर कैलकुलेट करने के लिए हमने 2 वॉट मीटर मेथड को यूज किया है. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है. जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि लोड रेजिस्टिव है दैट मीन्स पावर फैक्टर यूनिटी होगा. जब पावर फैक्टर 1 होता है उस केस में दोनों वॉट मीटर्स की रीडिंग्स इक्वल होती हैं.
यानी कि ऑप्शन ए W1 इज इक्वल टू W2 इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60. फॉर अ बैलेंस्ड थ्री फेज सर्किट टू वॉट मीटर्स आर कनेक्टेड टू मेजर द इनपुट पावर. द रीडिंग ऑफ टू वॉट मीटर्स इज 2000 वॉट एंड 535.98 वॉट रिस्पेक्टिवली. डिटरमिन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट. अगेन टू वॉट मीटर मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है. दोनों वॉट मीटर्स की रीडिंग्स यहाँ पे गिवन है. W1 इज इक्वल टू 2000 वॉट एंड W2 इज इक्वल टू 535.98 वॉट. नाउ यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें W1 और W2 के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है. W1 इज नॉट इक्वल टू W2 और ना ही W1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W2, यानी कि किसी एक वॉट मीटर की रीडिंग दूसरे की डबल भी नहीं है. तो इस केस में हमें इसे कन्वेंशनली सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पर हम उस टेबल को यूज नहीं कर सकते हैं. सो tan phi इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2. यहाँ पर W1 और W2 की वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो tan phi की वैल्यू हमें मिलेगी 0.99, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, यानी कि phi विल बी इक्वल टू 45 डिग्री. और यहाँ से हम पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. cos phi इक्वल टू cos ऑफ 45 डिग्री, विच इज 1 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू 0.707. तो cos phi की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी 0.707. और यहाँ ऑप्शन बी में गिवन है दैट cos phi इज इक्वल टू 0.7. तो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62. अ 60 एम्पेयर 220 वोल्ट एनर्जी मीटर मेक्स 51 revolutions इन 35 seconds ऑन फुल लोड टेस्ट. कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इफ द मीटर कॉन्स्टेंट इज 420 revolutions पर किलोवाट आर. गिवन है कि एक 60 एम्पेयर 220 वोल्ट का एनर्जी मीटर 35 seconds में 51 revolutions को कंप्लीट करता है और मीटर कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 420 revolutions पर किलोवाट आर. हमें एरर कैलकुलेट करना है इन परसेंटेज. तो एरर कैलकुलेट करने के लिए हमें KM फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ मीटर कांस्टेंट, विच इज गिवन बाय नंबर ऑफ revolutions पर किलोवाट आर, यानी कि N डिवाइडेड बाय पावर इनटू टाइम. N इज नंबर ऑफ revolutions, P इज पावर इन किलोवाट एंड T इज टाइम इन आवर्स. क्वेश्चन में गिवन है करंट की वैल्यू 60 एम्पेयर और वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट्स और एनर्जी मीटर 35 सेकंड्स में 51 रेवोल्यूशंस को कंप्लीट करता है. तो यहां से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं. पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट्स गिवन है और करंट की वैल्यू गिवन है 60 एम्पेयर. तो यहां से पावर मिल जाएगा हमें 13.2 किलोवाट और गिवन है कि 35 सेकंड्स में 51 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है. तो 35 सेकंड्स को हम आवर्स में अगर कन्वर्ट करें तो दिस बिकम्स 35 डिवाइडेड बाय 60 इनटू 60 आवर्स. तो इन वैल्यूज को जब हम यहां मेजर्ड वैल्यू ऑफ मीटर कांस्टेंट में पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 51, पावर इज 13.2 किलोवाट और टाइम इन आवर्स है 35 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, यानी कि ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इंटू 60. जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो KM की वैल्यू हमें मिलेगी 397.40 रेवोल्यूशंस पर किलोवाट आर. और क्वेश्चन में मीटर कांस्टेंट की ट्रू वैल्यू गिवन है 420 रेवोल्यूशंस पर किलोवाट आर और परसेंटेज एरर हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, विच इज गिवन बाय मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100. यहाँ पर मेजर्ड और ट्रू वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो एरर मिलेगा -5.3%. तो यहाँ ऑप्शन बी में गिवन है एरर इज 5.13. दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63. व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन इन रेडियन ऑफ अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट व्हेन द इंडक्टेंस ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज 20+4 थीटा माइक्रो हेनरी, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन इन रेडियन फ्रॉम जीरो पोजिशन एंड डिफ्लेक्शन करंट इज 5 एम्पेयर. एज्यूमिंग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ न्यूटन मीटर पर रेडियन. क्वेश्चन में एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग डेटा गिवन है. इंडक्टेंस की वैल्यू L इज इक्वल टू 20+4 थीटा
माइक्रो हेनरी गिवन है, डिफ्लेक्शन करंट 5 एम्पेयर गिवन है और स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है 10 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर रेडियन। और कहा गया है कि डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। तो इन केस ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दैट इज गिवन बाय 1/2 × स्क्वायर ऑफ डिफ्लेक्शन करंट × dl/dθ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे dl/dθ फाइंड आउट करेंगे, दैट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ 20+4θ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हमें मिलेगा 4 μH, दैट मीन्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी 1/2 × I², I की वैल्यू गिवन है 5, यानी कि 5² × 4 × 10⁻⁶, बिकॉज दिस 4 इज इन माइक्रो हेनरी। एंड एट बैलेंस कंडीशन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क, दैट मीन्स के थीटा विल बी इक्वल टू 1/2 × 5² × 4 × 10⁻⁶। यहाँ पर क्वेश्चन में k की वैल्यू गिवन है 10 × 10⁻⁶, तो k की वैल्यू को यहाँ पुट करके जब हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 5 रेडियन। दैट मीन्स डिफ्लेक्शन एंगल की जो वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 5 रेडियन। यहाँ ऑप्शन में ऑप्शन ए को आप देखिए, गिवन है 5, देयरफॉर ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन ऑफ पावर। यहाँ पर हमें पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। नाउ एज यू नो पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो यहां से सबसे पहले हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। मास के लिए वी विल राइट m, एक्सेलरेशन के लिए यहां पर मीटर मीन्स लेंथ, इसके लिए हम लिखेंगे l, और टाइम के लिए वी हैव σ^2, तो यहां हम लिखेंगे टाइम के लिए t^-2। ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के लिए वी विल राइट μLt^-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखेंगे l, यानी कि वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया μL²t^-2। एंड फाइनली हमें फाइंड आउट करना है पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो दैट विल बी वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि μL²t^-2 एंड डिवाइडेड बाय टाइम, दैट मीन्स टी। तो ये टी यहां पर जाकर μL²t⁻³ हो जाएगा, या फिर हम इसे μL²t⁴ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में गिवन है μL²t⁴। ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए में गिवन है अ मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड इन बोथ एसी एंड डीसी सर्किट। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को हम एसी और डीसी दोनों तरह के सर्किट में यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी कहता है मूविंग एलिमेंट इज अ स्मॉल सॉफ्ट आयरन पीस, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी सेज यूनिफॉर्मली डिवाइडेड स्केल। ऑप्शन सी में गिवन है कि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का स्केल यूनिफॉर्म होता है, दिस इज फॉल्स। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिफ्लेक्टिंग करंट, इसलिए इसका स्केल यूनिफॉर्म नहीं होता है बट क्रैम्प्ड स्केल होता है, या कि नॉन लीनियर स्केल होता है। सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही नहीं है, देयरफॉर यू विल मार्क ऑप्शन सी। ऑप्शन डी को भी यहां पर हम देख लेते हैं। गिवन है लो कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन कंपैरिजन टू मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉयल मींस PMMC इंस्ट्रूमेंट, यानी कि
मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से कम होता है. दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ इसके अलावा आप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए दो पॉइंट्स और नोट कर लीजिए कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग और डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को यूज किया जाता है. ऑलराइट देन, आज की क्लास में हम यहां तक ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे. आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और हम जो लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं वो आपकी प्रिपरेशन में बेनिफिशियल हो रहे होंगे. अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.